पाकिस्तानी फौज ने आतंकी तबरक हुसैन को फिदायीन मिशन पर भेजा। भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए वह जिंदा पकड़ा गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में उसने बताया है कि पाकिस्तानी फौज के कर्नल यूनुस ने उसे और उसके साथियों को आत्मघाती मिशन पर भेजा था। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए 30,000 रुपए भी दिए थे। आतंकी तबरक हुसैन 21 अगस्त 2022 को भारत में घुसपैठ के लिए LOC पर तार काट रहा था। उसके साथ 4-5 और आतंकी भी थे। भारतीय सैनिकों की नजर पड़ते ही वे भागने लगे, लेकिन फायरिंग में तबरक को गोली लग गई और वह पकड़ा गया। उसके साथी आतंकी भागने में कामयाब रहे। तबरक ने बताया कि उसके दस्ते के निशाने पर भारतीय सेना की चौकियां थी, 2 सैन्य चौकी की रेकी भी हुई थी। वह पाकिस्तान के कोटली जिले का रहने वाला है। उसने बताया है कि पाकिस्तानी फौज आम लोगों को भारतीय सीमा में घुसने के लिए उकसाती है। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है। घुसपैठ के लिए जो तैयार नहीं होते उनके साथ पाकिस्तानी फौज बुरा व्यवहार करती है। भारत में दाखिल होने से पहले तबरक हुसैन ने बॉडी सेव कराया था, नाखून कटवा लिए थे। वह चाहता था कि जब वह हुरों से मिले तो सुंदर दिखे। तबरक हुसैन एक अनुभवी आतंकवादी गाइड है। तबरक हुसैन को 2016 में उसके भाई के साथ भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे नवंबर 2017 में रिहा किया गया था। तबरक हुसैन का वर्तमान में राजौरी में इलाज हो रहा है, उसे गोली लगी है। ब्रिगेडियर कपिल राणा ने बुधवार 24 अगस्त 2022 को बताया कि तबरक हुसैन एक अनुभवी आतंकवादी गाइड है। उसे 2016 में उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे नवंबर 2017 में रिहा किया गया था। अब एक बार फिर वह पकड़ा गया है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।